हेलो एंड वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता ऑल इन वन रीजनिंग के सेशन में आज मैं आपको पार्ट 10 के साथ जोड़ूंगा। और पार्ट 10 में एक पज़ल मैंने आपको यहाँ पे पिक किया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार का आपको मैंने पज़ल बनाया है। एक क्वेश्चन समझिए। प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। और जैसे कि 5 दोस्त हैं जिनके नाम अमन, बबीता, कविता, धीरज और अंशु को अलग अलग फल, सेब और केला इस प्रकार से आपको बांटे गए हैं। उसके बाद अरेंजमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए आज मैंने कर्सर लिया है, थोड़ा छोटा लिया है क्योंकि बड़ा काम करना है तो छोटा नाम तो करना ही पड़ेगा। पहला है अमन, दूसरा मैंने लिया बबीता, ठीक है बबीता, फिर मैंने नाम ले लिया कविता, कविता के बाद मेरा नाम है धीरज और धीरज के बाद एक नाम दिया गया है अंशु। 5 व्यक्ति हैं, 5ों को काम करना है अपना अपना। सबसे पहले कहता है प्रत्येक अलग अलग खेल भी खेलता है भाई, तो खेल भी खिलाने हैं ना और इन्हें गेम भी खिलाने हैं, दोनों काम करने हैं, फल भी खिलाने हैं, खेल भी खिलाने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं ये चीज़ ले लेता हूँ, बबीता जो क्रिकेट खेलती है, जो चीज़ कन्फर्म है वो मैं ले लेता हूँ पहले। तो इसे मैंने दे दिया कि ये क्रिकेट खेलती है, ठीक है, लेकिन केला पसंद नहीं करती, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये केला पसंद नहीं करती। फिर कहता है कविता को सेब पसंद है, तो कविता है वह क्या पसंद करती है, सेब, लेकिन वह तैराकी या शतरंज, तो मैं यहाँ तैराकी या शतरंज ऐसे ही लिख लेता हूँ, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। अंशु कबड्डी खेलना पसंद करती है, तो जो अंशु है वह कबड्डी खेलती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे कबड्डी। और अंगूर या केला पसंद नहीं करती, तो अंशु को अंगूर या केला पसंद नहीं है। अमन शतरंज खेलता है, तो यह अमन जो हो गया वह शतरंज खेलने वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद धीरज को केला या अनानास पसंद नहीं है, तो धीरज जो हमारा केला या अनायास पसंद नहीं करता। बस इतना दिया गया था, इसके बाद अब खेल को खेल लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो वो तैराक नहीं खेल सकता, शतरंज नहीं खेल सकता, तो तैराक खेलने वाला ये होगा, तैराकी हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट गेम बचा हुआ है, लास्ट गेम कौन सा बचा, टेनिस, तो कविता खेल लेगी हमारी टेनिस, ठीक है। अब फल में बात करते हैं, फल में ये आपका अंगूर नहीं ले सकता और केला नहीं ले सकता। जब अंगूर नहीं लेगा, केला नहीं लेगा, सेब नहीं लेगा, तो अंगूर केला सेब 3 ख़त्म हो गए, बच्चा कौन सा, एक तो अनानास ले सकता है, अनानास ले सकता है, और एक आपका कौन बच्चा, संतरा ले सकता है, ठीक है, अनानास ले सकता है, संतरा ले सकता है। अब ये आपका जो है केला नहीं लेगा, अनानास नहीं लेगा, तो अंगूर तो ले सकता है ना, अंगूर ले सकता है और संतरा ले सकता है। अब इसकी मैं बात करूँ, ये केला नहीं लेगा, जब ये केला नहीं लेगा तो इसके बाद कौन सा बचा आपके साथ, अंगूर संतरा सेब, और अंगूर संतरा सेब के बाद मेरे पास एक फल बचा हुआ है, इसे मैं बात करता हूँ अनानास। बाकी ये केला लेगा नहीं, तो ये भी केला नहीं लेगा, ये भी केला नहीं लेगा, ये भी केला नहीं लेगा, तो केला दे दीजिएगा इसे। अब बच्चा कौन सा आपके पास, मैं बच्चा अनानास, तो अनानास दे दीजिए इसे, ठीक है, एज इट इज़। अब क्वेश्चंस को देखते हैं, अरेंजमेंट आपके साथ बन चुका है, आप इसे मैच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल बबीता को पसंद है, तो एक बार देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बबीता, बबीता का जो फल था वह अनानास बन रहा था, और इसके साथ एक और ऑप्शनल शायद बचा हुआ है कोई है, अंगूर संतरा, अंगूर संतरा, यहाँ पे देखिए अंगूर ये नहीं ले सकती, तो अनानास ले सकती है, तो यहाँ हो जाएगा अंगूर और अनानास। तो बबीता का जो हो जाएगा वह अंगूर भी हो जाएगा, अनानास भी, अंगूर भी, अनानास भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड में कहता है कि कविता कौन सा खेल खेलती है, तो कविता का एक बार प्रीवियस देख लीजिए। कविता की यदि अगर मैं बात करूं आपसे, तो कविता का जो गेम है वो है टेनिस, तो सही आंसर हो जाएगा टेनिस। नेक्स्ट देखें तो कहता है कौन सा व्यक्ति, फल और आपका संयोजन सही है, तो जैसे कि मैं आपसे कहना चाहूँगा ये वाला देखिएगा, अमन केला और शतरंज, एक बार प्रीवियस आता हूँ मैं, अमन केला शतरंज, तो ये हो जाएगा अमन केला और शतरंज, तो इसके लिए क्या रहेगा, अमन केला और शतरंज, ये हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपको आज का पजल कैसा लगा, ये मैंने आपके लिए रखा हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानते नहीं हैं कि सर आपने जो बनाया था वो अरेंजमेंट ठीक नहीं था, तो भाई मैं 100% आपको गारंटी लेता हूँ कि मैंने अरेंजमेंट ठीक बनाया था, आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं। तो ऑल इन वन रीजनिंग का सेशन आज आपको कैसा लगा, ज़रूर एक बार बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।